हरे कृष्णा। अभी अभी यूनाइटेड किंगडम से एक न्यूज़ आई है और एज यू नो कि हम लोग हर कंट्री के ऊपर रेगुलर अपनी आईज रखी हुई है। हम लोगों ने आपको रेगुलर अपडेट भेज रहे हैं हम लोग कि किस किस कंट्री में क्या क्या चल रहा है। यूके की एक बड़ी हॉट न्यूज़ आई है अभी, विच इज़ ए वेरी वेरी अलार्मिंग न्यूज़। यूके के प्रिंस चार्ल्स, विच इज़ 71 ईयर्स ओल्ड, उनको भी अभी COVID-19 पॉजिटिव इफेक्ट आया है। एक माइल्ड इफेक्ट आया है उनको, तो उनको इमिडिएटली आइसोलेट कर दिया गया है। सो प्लीज़ एवरीवन प्रे फॉर द प्रिंस चार्ल्स इन यूके, हु इज़ आल्सो अफेक्टेड COVID-19 पॉजिटिव। सो अभी यूके के काफ़ी सारे रूल्स में भी चेंज हुआ है। एक यूके ने अपनी गाइडलाइंस इशू करी हैं COVID-19 को लेकर, स्टूडेंट वीज़ा को लेकर, कि जो जो लोग अभी यूके में हैं अभी और जिनको अपने रिमेन टू लिव को एक्सटेंड करना है, तो उनका जो टाइमिंग था वो एक्सटेंड हो गया है अभी, तो उनके लिए कोई वरी नहीं है कि उनका टाइम ख़त्म हो रहा है, तो उनको अभी करना है। द टाइम हैज़ ऑलरेडी बी एक्सटेंडेड। जो लोग अभी यूके में नहीं हैं, उन सबके लिए वर्ल्ड वाइड एक ही न्यूज़ है कि रेगुलर फॉलो ऑन दी VFS वेबसाइट। वर्ल्ड वाइड हर कंट्री के अंदर VFS की वेबसाइट के ऊपर आपको यूके का रेगुलर अपडेट मिलता रहेगा। ज़रूरी नहीं है कि सारी कंट्रीज़ में VFS एक ही साथ खुलेगा। किसी किसी कंट्री में जैसे जैसे पॉजिटिव न्यूज़ आएंगी, कुछ पॉजिटिव होगा यूके में और उस कंट्री में, तो वहाँ का VFS ओपन होता रहेगा। फ़िलहाल यूके भी बंद है, और अगर मैं इंडिया की बात करूँ या अपनी साउथ एशियन कंट्रीज़ की बात करूँ, तो यहाँ पर भी VFS बंद है। पर आपको यूके का कुछ भी अपडेट होगा तो रेगुलर हम लोग भी देते रहेंगे, और प्लस यूके की गाइडलाइन के हिसाब से हमें VFS में देखते रहना चाहिए। बाकी लेट्स प्रे फॉर द प्रिंस चार्ल्स एंड द एवरी फैमिली अफेक्टेड इन द वर्ल्ड वाइड। हरे कृष्णा।